23 मार्च यानी आज शहीदी दिवस है। आज ही के दिन साल 1931 में देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था। देश की आजादी के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते भारत माता के चरणों में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। आज पूरा देश इन तीन महासपूतों को याद कर रहा है। भगत सिंह ने जिस साहस और हिम्मत के साथ इतनी कम उम्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा था। भगत सिंह देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और अपनी बात अंग्रेज हुकूमत तक पहुंचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत उनकी बात सुने और उस पर अमल करे। 8 अप्रैल 1930 को भगत सिंह ने दिल्ली की ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के संसद भवन में अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कुछ पर्चे फेंके थे। उन्होंने बम इस तरह फेंका था कि किसी की जान माल को नुकसान न हो। भगत सिंह चाहते तो वो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन वो वहीं खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि वो दंड स्वीकार करना चाहते थे। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को दोषी ठहराया और 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। देश कभी भी इन वीर सपूतों को भूल नहीं पाएगा।